आज ही डाउनलोड करें। पर होगा अब आपके सभी केमिस्ट्री, और और का सफाया। बस अपने क्वेश्चन क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। है, टर्मिनल एंड नाइट्रोजन टर्मिनल इन ईच पॉलीपेप्टाइड इंडिकेट हमें बताना है कि जो polypeptide का कार्बन टर्मिनल है और नाइट्रोजन टर्मिनल वो इनमें से किन ग्रुप्स को इंडिकेट करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड चेन होती है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड बॉन्डेड होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड तो अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन का मोनोमर होता है अब एक अमीनो एसिड का हम यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर लिख के देखेंगे पहले अमीनो एसिड के जनरल स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन है इससे एक अमीनो ग्रुप एक कार्बोक्सिल ग्रुप एक हाइड्रोजन और एक आर साइड चेन अटैच होती है ये आर साइड चेन हर अमीनो एसिड के लिए डिफरेंट होती है तो यहाँ पे एक अमीनो एसिड है हम यहाँ दूसरा अमीनो एसिड करेंगे तो इसके अंदर ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये अमीनो ग्रुप ये दोनों रिएक्ट करेंगे यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और फॉर्म होगा यहाँ पे ये जो सी ओ ओ एच होता है यहाँ पे जो सी ओ एच ग्रुप है यहाँ पे ओ एच रिमूव हो गया तो यहाँ पे रह गया सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप और ये जो बॉन्डिंग है अब ये नेक्स्ट नाइट्रोजन से करेगा जो नेक्स्ट अमीनो एसिड का नाइट्रोजन है यहां इसने हाइड्रोजन लूज किया है तो यहाँ पे ये सी के साथ एन बॉन्ड बनाएगा तो इस सी एन बॉन्ड को ही हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और ये सीएन बॉन्ड दो अमीनो एसिड को ज्वाइन करता है तो एक पेप्टाइड बॉन्ड है और वो दो अमीनो एसिड को ज्वाइन कर रहा है तो इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ अमीनो एसिड के अकॉर्डिंग ये है एक डाय पेप्ताइड. तो जितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड होंगे उतना हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे डाय ट्राई टेट्रा ऐसे और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड जब ज्वाइन होंगे तो उसे हम कहते हैं कि वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो यहाँ पे हमने डाईपेप्टाइड देखा अगर हम यहाँ पे इसके कार्बोक्सिल एंड से एक और अमीनो एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा ड्राइपेप्टाइड ऐसे ही लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड को भी रिएक्ट करते रहेंगे तो हमें यही एंड मिलेगा राइट टर्मिनल पे आएगा हमारा कार्बन टर्मिनल और लेफ्ट टर्मिनल में आएगा नाइट्रोजन टर्मिनल कार्बन टर्मिनल पे होता है कार्बोक्सिल ग्रुप और नाइट्रोजन टर्मिनल पे होता है अमीनो ग्रुप हम अमीनो एसिड्स का नेम भी ऐसे ही करते हैं फ्रॉम एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल एन टर्मिनल इंडिकेट्स अमीनो ग्रुप एंड सी टर्मिनल इंडिकेट्स कार्बोक्सिल ग्रुप ये जो एन टर्मिनल है उसको ही हम नाइट्रोजन टर्मिनल बोलते हैं और सी टर्मिनल जो है उसे हम कार्बन टर्मिनल बोलते हैं तो हम ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन ए है सी ओ एंड एन एच ग्रुप तो सी टर्मिनल ये कह रहे हैं कि सीओ ग्रुप को डिनोट कर रहा है और एन टर्मिनल एनएच को पर ऐसा नहीं है कार्बन टर्मिनल कर रहा है कार्बोक्सिल ग्रुप को इंडिकेट और नाइट्रोजन टर्मिनल कर रहा है अमीनो ग्रुप को इंडिकेट तो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है नेक्स्ट ऑप्शन है टर्मिनल फ्री कार्बोक्सिल एंड अमीनो ग्रुप तो ऐसा ही है जो कार्बन टर्मिनल है वो फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप को सीओ ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है और नाइट्रोजन फ्री अमीनो ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट है सीओ ग्रुप एंड एन थ्री ग्रुप तो सीओ ग्रुप तो नहीं है यहाँ पे सीओ एच ग्रुप है यहाँ पे अमीन ग्रुप है ना कि अमोनिया तो हमारा ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है नेक्स्ट है सीओ एन एच टू ग्रुप ये एक अमाइड है ये हमें अमाइड ग्रुप गिवन है पर ऐसा नहीं होता दोनों टर्मिनल्स पर यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स है जो कि है कार्बोक्सिल एंड अमीनो दोनों टर्मिनल पे अमाइड ग्रुप नहीं होता इसलिए हमारा ऑप्शन डी बी इन करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है कार्बन टर्मिनल एंड नाइट्रोजन टर्मिनल इन ईच पॉलीपेप्टाइड इंडिकेट टर्मिनल फ्री कार्बोक्सिल एंड अमीनो ग्रुप थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर